गॉड, मेरे मसीह भाई बहनों यीशु नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश मसीह, मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन को। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं व्यभिचार में डूबे हुए हैं, और व्यभिचार जो है एक पाप है, और उस पाप से निकलना भी चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई मुझे बताएं मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं, वे विचार चीज़ों से जो शैतान हमको जकड़े हुए है, मैं बाहर निकलना चाहता हूं, मैं बाहर कैसे निकलूं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक यही है और आपको हम इसी टॉपिक पे बताएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, चलिए हम वचन को शुरू करते हैं, वचन को जानते हैं, हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप एक व्यभिचार में डूबे हुए हैं, अगर आप व्यभिचार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये वचन आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वचन को आप जरूर सुने, बहुत ही आशीषित होंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, चलिए शुरू करते हैं। जी भाई बहनों, हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या दर्शाता है और क्या बताता है, आप हमारे साथ वीडियो के साथ बनिए, बने रहें, और हमारे साथ निकाल लेंगे नीति वचन 28:3। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो मान लेता है वो और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का यहाँ पे देखेंगे वचन साफ साफ बता रहा है, मेरे मसीह भाई बहनों, जो अपने अपराध को छिपा रखता है, यानी कि आप व्यभिचार कर रहे हैं और अपने अपराध को दिलो दिल छुपा कर रखे हुए हैं। जी हाँ, परमेश्वर के सामने यानी आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनेंगे मेरे वचन को, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जी हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। जब आप कोई कार्य करने जाएंगे तो आपका कार्य जो है वो सफल नहीं होगा। जी हाँ मेरे मसीह भाई, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप को मान लेता है, परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लेता है और उसको छोड़ देता है कि अब मैं दोबारा ये व्यभिचार वाली पाप मैं नहीं करूंगा, है ना मेरे मसीह भाई बहनों, और उसको छोड़ देता है, तो परमेश्वर उस पर दया करते हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यही मैं वचन बताना चाह रहा हूँ, और उसी में आप पढ़ेंगे भजन संहिता 32 भी यही बताता है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और उसका पाप ढापा गया हो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया। जी हाँ, जब हम अपने अपराध को मान लेते हैं तो परमेश्वर देखेंगे, यहाँ पर भजन संहिता साफ साफ बता रहा है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उसका पाप को ढाप देता है, और उसके बाद परमेश्वर आपके पाप को लेखा जोखा नहीं लेते हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, तो अभी समय है कि हम अपने पाप को मान लें और अंगीकार कर लें, और नीति वचन 28:13 के अनुसार उस पाप को करना छोड़ दें, है ना, उस पाप को करना छोड़ दें, परंतु जो उसको मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हम मानकर उस पाप को छोड़ देते हैं, व्यभिचार वाले इसी पाप को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें पापों से मुक्त कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और हम एक आशीषित मनुष्य बन जाते हैं। तो चलिए मेरे मसीह भाई बहनों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करेंगे, मेरे अपराध को माफ करेंगे। जी हाँ, आपके अपराध को माफ करेंगे, आपके पापों को क्षमा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे नीति वचन 28:13 के अनुसार, जैसा उन वचन में लिखा है कि जो अपने पाप को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, परमेश्वर उस पर दया करेंगे। तो चलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंखें बंद करेंगे और हमारे पीछे पीछे बोलिए, क्योंकि आप जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आपका पाप क्षमा नहीं की जाएगी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, प्रार्थना का दोहराएं, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। पिता, यीशु को हमारे पापों को बदले मरने के लिए भेजने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु ने हमारे पाप को अपने पर उठाया
और इस जगत के पापों को उठाया और हमें क्षमा दान दिया, और पिता आपके संतान होने के लिए उसने मुझे योग्य ठहराया। मैं यीशु का धन्यवाद देता हूँ, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। पिता मैं अब दोबारा यह पाप नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दे। पिता अब मैं कोई व्यभिचार वाली पाप नहीं करूँगा, और भी जितने भी पाप हैं इस संसार में वो सब मैं छोड़ता हूँ खुदावन खुदा। पिता मुझे माफ़ कर दे, मैं यह अंगीकार करता हूँ पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर दे पिता। पिता इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए और कबूल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे अपराध को क्षमा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज से मैं आशीषित हूँ, आज से मैं आपके वचनों पर चलूँगा, आज से मैं आपका पुत्र बन गया हूँ। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना पुत्र बनाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप ये जो देख रहे हैं ये जीसस बुलाता का पेज है, आप यहां से डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर या इस पे रखा हुआ है, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इस पेज का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए इस लिंक को क्लिक कीजिए या फिर आप फेसबुक पेज पे जाइएगा, वहाँ पे लिखेंगे जीसस बुलाता है तो आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज मिलेगा। काफ़ी फेसबुक पे तो काफ़ी जीसस बुलाता का पेज बना हुआ है, लेकिन ऑफिशियल पेज जो है हमारा ये यही है, आप इस पेज को देख लें, यही वो पेज है और इस पे आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप यहाँ से मुझे प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।